रायपुर क्षेत्र में अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक खेत से 75 लाख रुपए से अधिक कीमत के करीब 7 क्विंटल 58 किलोग्राम गांजे के पौधे जब्त की है। पुलिस ने गांजा उगाने वाले आरोपी खेत मालिक गन सिंह अवसे निवासी हरण कुटिया और गीना वासकले के खेत से करीब 2342 गांजे के पौधे फसल के बीच में उगाए गए थे, जिन्हें जब्त किया गया है। एसपी धर्मराज मीना ने प्रेस के सामने खुलासा करते हुए बताया कि थाना चैनपुर पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। गन सिंह आपसे और गीना वासकले भिलाला निवासी ग्राम हरण कुंडिया ने उनके खेत में अवैध गांजे के पौधे लगाए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पुलिस टीम के द्वारा कुल पृथक पृथक खेतों में अवैध गांजे के कुल 2342 हरे पौधे कुल वजनी 7 क्विंटल 58 किलोग्राम पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। गन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, 75 लाख रुपये गांजा पकड़ा है, क्या कहना चाहिए? खरगोन पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है और अवैध नशे की वस्तु, जिसमें महत्वपूर्ण गांजा है, थाना चैनपुर जो कि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है, इसके हेलापड़ावा चौकी क्षेत्र में दो व्यक्तियों के खेतों में भारी मात्रा में गांजे की खेती की जा रही थी और आने वाले समय में इस गांजे को महाराष्ट्र के व्यक्तियों के द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में भी इसको ले जाया जाना था। तो इस पूरी खेती पे थाना प्रभारी चैनपुर हेलापड़ावा चौकी का स्टाफ, SDOP भिकनगाँव, हमारे एडिशनल SP सिटी और साथ ही आसपास के थानों की संयुक्त टीम ने दबिश दी और 758 केजी गांजा, जो कि करीब 2342 पौधे हैं और ये पूर्णतः तैयार खेती थी, इसको पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है और निश्चित रूप से ये वर्तमान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए और आगामी त्योहारों को देखते हुए नारकोटिक्स के विरुद्ध बहुत बड़ी कामयाबी खरगोन पुलिस की है और आने वाले समय में भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।